बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का, डीपी गोयल साहब, नागपाल जी, बजाज जी, तनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं और फिर ऐसे वक्त में किसी एक विजन को लेकर बात करना कई बार मुश्किल से हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम गुड़गांव के विजन को लेकर, अपने प्रदेश के विजन को लेकर भी बात करें। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर चर्चा हो रही थी नागपाल साहब कि बिल्डर्स में, रियल एस्टेट में मायूसी का माहौल है, तो आपको भी लगता है ऐसा कि मायूसी का माहौल है? अगर है तो क्यों है, और क्या उस माहौल से अब लोग निकल रहे हैं बाहर? क्योंकि सरकार के दावे हैं कि हम उद्योगों के लिए, रियल एस्टेट के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। खबरें अभी तक चैनल के सबसे पहले धन्यवाद। सरकार पे हमें पूरा भरोसा है, हमें कहीं भी मायूसी नहीं है, हम सब लोग पूर्ण विश्वास के साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी हमारे बहुत काम किए हैं और अभी भी हमें निराश नहीं करेंगे, ऐसा पूरे बिल्डर लॉबी को विश्वास है। तनेजा जी, उद्योगों को लेकर बजट में भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया और गुड़गांव को अक्सर फोकस पर रखा जाता है। ये चमकता शहर सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक पहचान है, तो उद्योगों के लिहाज से इस बार जो बजट पेश किया गया गुड़गांव को लेकर भी बहुत सी, चाहे वो हेली सेवा की बात हो, डिजिटल पार्क की बात हो, इसके अलावा अरावली के सेक्टर को भी काफ़ी डेवलप करने की कोशिश की जाने की बात हो रही थी, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये कितना यूजफुल है और इससे गुड़गांव के विकास को कितनी गति और मिलने वाली है? थैंक यू खबरें अभी तक, और आपका भी धन्यवाद कि आप इस टाइप के कंक्लेव करते रहते हैं लगातार, और इसके कारण काफ़ी अवेयरनेस लोगों में आती है। एंड आपका जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, देखो गुड़गांव सबसे पहले मारुति और हिरोंडा ने आके इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। जब इनिशियली जो स्टेज होती है किसी भी कंट्री की, वो एक मैन्युफैक्चरिंग अगर हब जैसे बनता है, चाइना किसी टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग हब बना, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाता है। सेम चीज़ गुड़गांव में हैपनिंग हो रही है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग आई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद टू मच ITs कंपनीज आ गई, डेवलप ने इतना बड़ा एम्पायर, पूरी मल्टीनेशनल्स को ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया, इतनी डेवलपमेंट्स हो गई। तो ये जो एक चैन है, स्टार्टिंग जो हमेशा होगी मैन्युफैक्चरिंग से होगी, फिर वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन पे चली जाएगी। और जो ये सरकार का, हम इस वाले बजट के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपने CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जस्ट हमारा जो इंडस्ट्री का बजट था वो डबल कर दिया, 1300 कुछ करोड़ रुपए का उन्होंने बजट दिया। बहुत सारी उन्होंने स्कीमें जिला उद्योग केंद्र के उससे माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को दी। आज स्टार्टअप का जमाना है, मेक इन इंडिया का जमाना है, बहुत सारे जो मल्टीनेशनल्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, आज उनको टारगेट दिया गया है कि भाई जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है वो 25% उनको मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा। और कुछ कंपनीज पे तो शायद अभी इन्होंने पेनल्टी भी लगाई है, जिन्होंने 100% इम्पोर्टेड सिक्योरिटी यूज़ की उसके अंदर उनको पेनलाइज किया है। तो ये एक बहुत बड़ा सरकार जो की सोच है कि जब तक जो हमारे नीचे जो छोटे, मतलब आज की डेट में छोटे गांवों शहरों से लोग आ रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं बनेंगे जब तक देश राइज नहीं करेगा जी, उनका विकास ही हम सबका विकास होगा। धर्मेंद्र जी, आपका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ भी है और पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, अगर हम गुड़गांव की बात करें तो आपने कितना बदलता देखा है इस गुरुग्राम को? नाम था गुड़गांव, फिर गुरुग्राम हुआ। कहते हैं कि नाम के साथ जरूरी नहीं है कि बदलाव आ जाए, लेकिन क्या गुरुग्राम बदला है? गुरुग्राम पे अगर नजर डालें, आज से 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, जैसा कि अभी जवाहर जी बता रहे थे, वो एक आम आदमी की जरूरतों को समझते हैं। चाहे गुड़गांव में लेके आज मैं कहूँ, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब मुख्यमंत्री जी ने 2016 में यहाँ बूस्टर की घोषणा करी, तो वो 2 साल के अंदर वो बूस्टर इंस्टॉल भी हो गए। मैं पुराने गुरुग्राम की बात करूं तो आप देखते होते हैं यहाँ टैंकरों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ था, या वो ज़रूरत क्रिएट की जाती थी, या क्या इसके पीछे का कारण था, परंतु मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ पे जो अपना बूस्टर का निर्माण हुआ, और आप देखेंगे पिछले अगर साल डेढ़ साल से देखें तो गुड़गांव में पानी की समस्या मतलब 90% तक बिल्कुल ठीक हो गई है। जहाँ तक 5-10% की बात है, या किसी स्वार्थवश कोई लाइन उसने गलत जोड़ दी या किसी वश उसने करा ली, तो बाकी सभी नहीं है समस्या।
जहाँ तक सीवर का है, मूलभूत सुविधाएं सरकार जो होनी चाहिए उस ओर ध्यान दे रही है और पहले के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हो रहा है जी। डीपी गोयल साहब, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं और लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज भी सुना है कि कुछ क्लिनिक्स, हाँ, आपने उसकी शुरुआत की है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी सरकार ने ऐलान किया था कि 700 बेड का अस्पताल गुरुग्राम में फिर से मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जाएगा। वजह क्या है कि घोषणाएं होती हैं, बनाए जाते हैं हॉस्पिटल्स, बनाए जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और भी हैं, लेकिन जब उनको सरकार का कहना होता है कि हर तरह की सुविधा होगी, लेकिन जब कंपेयर करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के अस्पतालों से, पैसा भी बहुत सारा खर्च होता है लेकिन वहाँ इलाज में बड़ा फर्क आ जाता है। किस तरह से इस चीज़ को समझा जाए और नए सिरे से जो चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं हॉस्पिटल्स को लेकर, इलाज को लेकर, तो क्या वाकई में सरकार वो सब दे पा रही है कम पैसों में जो बड़े हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दावा करते हैं? सबसे पहले मैं खबरें अभी तक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई इस तरह की कॉन्क्लेव करके सरकार तक भी बात पहुँचती है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होता है। जहाँ तक आपने बात की कि स्वास्थ्य सेवाओं का कितना विस्तार पिछले समय में हुआ है और कितना आम आदमी तक उसका फ़ायदा पहुँचा है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। तो मैं पहले सकारात्मक पहलू की बात करूँगा। जिस तरीके से पीछे कोरोना का एक बुरा दौर हमने देखा, एक वैश्विक महामारी थी, उस टाइम हमें लग रहा था कि हमारी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो उतनी कैपेबल नहीं है कि वो इससे, हमारी गुरुग्राम जैसा एक बहुत डेंस पॉपुलिटी का जो शहर है, पॉपुलेशन का शहर है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन जिस तरीके से हमारी UPSC, PSC, अलग अलग जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएँ थी, जो हमारे घर के पास होते हुए भी हमारे को दिखाई नहीं देती थी, वो इतनी अच्छी तरीके से थी। वो कोविड के टेस्ट कैंप लगाए हमने, वैक्सीनेशन के कैंप थे, बहुत अच्छी तरीके से हमने उसको एक तरीके से हमारे सरकारी तंत्र ने उसको संभाला। लेकिन क्या और अच्छी व्यवस्था हो सकती थी? क्या सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके मापने का जो पैमाना होता है वो होता है, पहली तो होती दिशा, दिशा सही है कि नहीं, दूसरा उसका पेस सही है कि नहीं, तीसरा क्या उससे ज्यादा बेहतर हो सकती थी कि नहीं। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि जितनी स्वास्थ्य सेवाएं गुरुग्राम शहर में हैं इससे 10 गुना इसको जरूरत है। आज यदि हम देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल के नाम से एक सेक्टर 10 में हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, उसके बावजूद कि हमारी ची वो शीतला हॉस्पिटल बनने की बात है, सरकारी जो हॉस्पिटल हमारा बस स्टैंड के पास है उसके विस्तार की बात हमेशा होती रहती है, लेकिन वो सिरे तक क्यों नहीं पहुँच पाता? इसका मुझे सबसे बड़ा जो कारण नासिर जी लगता है कि हमारा जो ऑफिसर्स हैं उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। यहाँ गुरुग्राम में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको क्या है। यहाँ पे हर आए दिन कोई ना कोई VIP मूवमेंट चलती रहती है, कभी CM साहब आ गए, कभी आपके हेल्थ मिनिस्टर आ गए, कभी सेंटर से कोई मिनिस्टर आ गया, अब BJP का कार्यालय यहाँ पे है तो कोई ना कोई VIP आता रहता है। और जितना भी सरकारी तंत्र है उनकी सेवा में या उनको प्रोटोकॉल होता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली में भी कुछ एरिया हम देखते हैं तो वहाँ पे थोड़े से एरिया में भी DM की संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पे सरकारी तंत्र यदि स्वास्थ्य सेवाओं की केवल बात करें तो एक CMO साहब है, यहाँ पे हम उसको जोनिंग करके अलग अलग ऑफिसर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। एक अकेला CMO साहब कैसे संभालेगा पूरे शहर को, 40 लाख की सब आबादी का पूरा जिला है। तो हमें गुड़गांव की जोनिंग करके ऑफिसर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात, जो भी हमारी व्यवस्थाएं आती हैं, सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, उसकी मॉनिटरिंग कमेटी हमारी होनी चाहिए, टाइमलाइन हमारा होना चाहिए। ऑफिसर्स का इंसेंटिवाइज हम कर सकते हैं, उनको अवार्ड रिवार्ड दे सकते हैं, और उससे ज़्यादा यदि समय पे काम नहीं होता तो हमारे पास पनिशमेंट का भी हमारा कुछ ना कुछ ऑफिसर्स को हमारा उसमें प्रावधान होना चाहिए, जिससे एक डर हो ऑफिसर्स में कि ये काम हमें समय से पहले करना है। हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, बजट भी अलॉट हो जाता है, चीज़ें भी सारी हो जाती है, लेकिन ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात आती है वो समय से नहीं हो पाती। इसके लिए हमारे को ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जो समाज में भी प्रबुद्ध लोग हैं, मान लो एक विभाग की बात करते हैं, पर्यावरण विभाग की बात करते हैं, आपने स्वास्थ्य विभाग की बात करी तो स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, जो रिटायर हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कमेटी बना सकते हैं, हम एडवाइजरी बोर्ड बना सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं कि उन्हीं को मॉनिटरिंग कमेटी बना के, जो कोई पैसे नहीं लगते उसके, सिर्फ उनको एक रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और ये चीजें सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लिए जरूरी हो जाती है, जिस तरह के बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें सबको साथ लेके कैसे हम
सरकारी संस्थाओं के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ लेके भी हम एक ऐसा पैनल बना सकते हैं जो उस इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करे। अगला सवाल शेखर तनेजा जी और दिनेश नागपाल जी आपसे मैं करना चाहूँगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी काम चल रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार का ये कहना है कि इससे सबसे ज़्यादा फायदा गुड़गांव को भी बहुत होगा, गुरुग्राम को होगा, जमीनों के रेट बढ़ेंगे, और जमीनों के रेट बढ़ेंगे तो जो एक मायूसी वाली बात बिल्डर्स के लिए आती है वो अब दूर हो जाएगी। तो दिनेश नागपाल जी, आपको लगता है कि इसका फायदा हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है फायदे की, या अभी वक्त लगेगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वास्तव में बहुत कमाल की योजना है और इससे बहुत ज़बरदस्त विकास होगा, हो भी रहा है और होगा भी सही, और जहाँ विकास होगा तो ज़मीन की कीमतों में तो वृद्धि होगी होगी, और पूरा हरियाणा का पूरा हिंदुस्तान इसे फायदे लेगा। तनेजा जी, आप किस तरह से देखते हैं इस एक्सप्रेसवे को, गुड़गांव के लिहाज से कितना फ़ायदेमंद ये साबित हो रहा है? देखो, मुंबई को इंडिया में एक मिनी चाइना के नाम से भी जाना जाता है, और मोस्टली जितने भी इम्पोर्टर्स हैं, बड़े इम्पोर्टर्स हैं जितने भी हैं, वो सारे मुंबई बेस हैं, और ड्यू टू पोर्ट वहाँ पे उनको उसका नियर बाई जो अकोमोडेशन है उससे बेनिफिट होता है। वही एक रीज़न है कि यहाँ पे जो हमारे ज़मीन की अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ हमारे ज़मीन के रेट मीटर में है इंडस्ट्री के, वहाँ पे वही रेट हमारे स्क्वेयर फिट में है, तो वहाँ तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है लैंड कॉस्ट की। दूसरा क्या है कि जब किसी को कोई भी फैसिलिटी सस्ते में मिलती है तो वो उसका बेनिफिट उठाता है, तो वहाँ से बहुत सारे जो हैं, जो लोग अभी दिल्ली से बॉम्बे जिनके ऑफिस हैं, वो सब चीज़ें हैं वो शिफ्टिंग भी होंगी, और यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में टूवर्ड्स गुड़गांव एंड जो भी इस कॉरिडोर के ऊपर और सिटीज डेवलप होंगे। एक और सवाल मेरा था कि सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया था कि ताकि उद्योगों को लगाने में दिक्कत ना आए, काम करवाने में दिक्कत ना आए, वो कितना कारगर साबित हुआ है, कितना उससे फायदा हुआ है, या सिर्फ बातें रही? नहीं, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, वो जो विज़न सरकार का है वो बहुत ही बेनिफिटेड है, और जो काम हम पहले किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए 6 महीने 4 महीने वेट करना पड़ता था, आज ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इवन अभी कुछ टाइम पहले फायर को लेके हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, हम लोगों ने सारे इंडस्ट्रीज ने मिलके एक प्रेजेंटेशन दी और इमीडिएटली हम लोगों की सुनवाई हुई और उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्शन फास्ट हुआ। तो इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का जो भी है वो पॉजिटिव रुख है, और उसमें काफ़ी सारे जितने भी न्यू कमर्स हैं सबको बेनिफिट हो रहा है। धर्मेंद्र बजाज जी, गुरुग्राम की हम बात करें, आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के सामने शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होती हैं, और कई बार पब्लिक की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर हमारी सरकारें सिर्फ इन दो चीज़ों की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर ले लें, स्वास्थ्य की और शिक्षा की, तो हमारे देश के लोगों की बहुत बड़ी परेशानियाँ खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। जब आप लोगों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो किस तरह की स्थितियाँ पा रहे हैं? क्योंकि जब भी सरकारों से बात होती है, नेताओं से बात होती है, तो उनका कहना होता है कि हम इस क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, हमारा बजट स्वास्थ्य के लिए इतना है, शिक्षा के लिए इतना है, लेकिन वो क्या जिन लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया जा रहा है, क्या उन तक फ़ायदा पहुंच पा रहा है? जहां तक शिक्षा की बात है, मैं भी एक अध्यापक का बेटा हूं, तो उनसे जुड़ा हूं। तो जहां तक मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले, देखो यहां पे हरियाणा में सबसे पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी थी शिक्षकों की, पूरा उसमें मेरे को याद है विधायक के पास पूरा मजमा लगा रहता था, विधायक का नोट जाता था तब जाके ट्रांसफ़र हो पाता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू करा, तो उससे काफ़ी क्या सब तक मतलब इसका सलूशन हुआ। अब टीचरों को एक तो बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, मेरे को याद है जब फादर हमारे जब जॉब में थे तो कम से कम 50-50 किलोमीटर दूर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, तो वो ठीक है, अगर जब तक उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में उतना काम नहीं कर पाएंगे। अब टीचर का एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है, मान लो 4-5 साल, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उससे क्या है कि बच्चों की एक तो जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित नहीं होती, और हमारी सरकार भी शिक्षा के कदम उठा रही है, बच्चों को जैसे लड़कियों की शिक्षा मुफ्त दी जा रही है, और उनमें स्वास्थ्य की सेवाओं पर भी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में गुड़गांव में जो 700 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन किया है, उसका जल्दी उम्मीद है जल्दी उस पर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी, और
जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी केंद्र की योजना थी आयुष्मान कार्ड की, उसको भी हरियाणा में लागू किया है, उसको जो चिरायु का नाम दिया है। जो 1,80,000 बीपीएल परिवार थे उन्होंने उसको 3,00,000 तक कर दिया है, ताकि जो 3,00,000 तक की इनकम वाले हैं उनको भी चिरायु योजना का लाभ मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट निर्देश है कि जो इस टाइप के हैं उनका 2 साल में एक बार सरकार की तरफ से उनके जो टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट हैं, वो फ्री किए जाते हैं। तो सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है हमारे डिस्पेंसरी के माध्यम से भी, मैं भी CMO साहब से जुड़ा हूँ, जब भी उन्होंने मैं भी जिम्मेदारी दे रखी है, तो सरकार का प्रयास है कि हरेक हरियाणा का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो और शिक्षित हो। हमारे बीच हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली साहब भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अभी हम थोड़ी देर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डीपी गोयल साहब, कैनवेन फाउंडेशन की अगर बात करें तो क्या गुरुग्राम तक ही अभी सीमित रखने का इरादा है या इसको अभी आगे बढ़ाने का इरादा है? बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा कि मकसद क्या है और क्या करना चाहते हैं और कितना उस मकसद में कामयाब हो पा रहे हैं। देखिए, यदि हम किसी भी शहर की विकास की बात करते हैं, उसका पैमाना है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं। एक सही मायने में हैप्पीनेस इंडेक्स को एक शहर का पैमाना माना जाता है। और हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वो स्वास्थ्य से होके आती है। एक घर में एक बंदा भी यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसका पूरा आर्थिक बजट भी उसका गड़बड़ा जाता है और वो अपना 100% भी नहीं दे पाता। तो स्वस्थ रहना हमारी एक प्राइमरली एक रिक्वायरमेंट है। उस जरूरत को समझते हुए और एक बहुत बड़े गैप को समझते हुए आज हमारे एक साइड में देखते तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन क्या वहां तक आम परिवार का ही वहां तक अप्रोच है? वो एक बहुत बड़ा गैप कैनविन फाउंडेशन ने समझा। अच्छा स्वास्थ्य एक परिवार को कैसे थोड़े से पैसे में मिले, जैसे पहले गांव में देखते थे हम कि एक 20 रुपए में डॉक्टर पर्ची होती थी, 40 रुपए की, 50 रुपए की दवा होती थी, बंदा ठीक हो जाता था। तो क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला, सिर्फ वो जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो उस विश्वास के साथ उस घर तक पहुंचाना है। उसी गैप को समझते हुए मात्र 100 रुपए ओपीडी में आज कैनविन के 4th पॉलीक्लिनिक का आज हमने उद्घाटन किया है और 8 मई को अपने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल कैनविन आरोग्य धाम के नाम से हम लेके आ रहे हैं। हमारा मानना है कि आम घर तक अच्छा इलाज अफोर्डेबल अप्रोचेबल एश्योरेबल हो, उसको वो मिले, और सबसे बड़ी बात कि उसकी जेब भी ना कटे और उसको अच्छा इलाज भी मिले। इसी मिशन पे कैनविन फाउंडेशन काम कर रहा है। आज हमारा 57 हॉस्पिटल से टाई अप है। बड़े हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे डिस्काउंट भी होगा, डॉक्टर आपको प्रायोरिटी से इलाज भी देगा। उसके अलावा यदि हमारे को मौके पे कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो लाइव ब्लड डोनर भी मिलेगा, एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिलेगी, और ये सारी सुविधाएं हम सब मिलके एक इकोसिस्टम गुरुग्राम में तैयार कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी हैं जो चैरिटी करते हैं, CSR एक्टिविटी से अपना फंड देते हैं, ऐसे लोग भी है जहाँ जरूरतमंद परिवार भी है। तो उसके बीच में एक ब्रिज का काम सरकार हो, प्रशासन हो, आमजन हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, संगठन हो, हम सब मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। उस प्लेटफॉर्म की तरह से आज कैनविन फाउंडेशन काम कर रहा है। आज हजारों सामाजिक कार्यकर्ता इससे जुड़ के हम सब मिलके समाज को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं इसकी चिंता करता है। इसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं। जहां तक आपने बात की कि इसका विस्तार हम गुरुग्राम से बाहर करेंगे या नहीं करेंगे, आज हमारे पास बहुत सारे शहरों से फोन आते हैं कि इस बीमारी में क्या इलाज होगा, इसमें हम क्या दवा लें। तो ऑनलाइन माध्यम से हमारी हम फैसिलिटी बाहर भी दे रहे हैं, लेकिन हम गुड़गांव को एक मॉडल, जैसे माननीय मोदी जी ने गुजरात को एक मॉडल बनाया, पूरे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 3-4 सालों में हम गुरुग्राम को ऐसा स्वस्थ मॉडल बनाएंगे कि यहाँ का हर परिवार स्वस्थ भी होगा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव भी वो महसूस नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश नागपाल जी, हमारा देश एक बहुत मशहूर बात चली आ रही है कि गाँव में बसता है, और हम गुरुगांव की जब बात करते हैं तो अगर कोई नहीं जानता हो तो उसको लगेगा किसी गांव का नाम है, लेकिन ये बहुत चमकता हुआ शहर है और दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है। गांव और शहर के विकास को किस तरह से हम उसके लिए काम करें कि उसका असर गांव पर भी पड़े और गांव की आबो हवा का असर शहर पर भी पड़े? आप उद्योग के क्षेत्र से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्डर भी हैं, तो आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? अभी हमें गाँव में बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी जो शहर में जितना विकास हो रहा है गांव की तरफ अभी मुझे लगता है कम ध्यान है। हालांकि पिछले 5 सालों में, पिछले 8 सालों में पीछे सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछाया, फिर भी अभी भी बहुत सख्त ज़रूरत है। गांव में अगर हम जाते हैं कई बारी, बहुत कम्युनिटी सेंटर्स,
हेल्थ सेंटर्स वहाँ गांव में अभी बहुत सख्त जरूरत है। शहर की दौड़ के लिए गांव शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, लोगों को अब सारी सुविधाएं चाहिए, तो जो गांव के हम देख सकते हैं अपने आसपास के इलाकों को देखते हैं तो फिर उनको डेवलप किया जा रहा है, तो आप इसको किस तरह का अच्छा एक कॉन्सेप्ट मानते हैं या फिर आपको लगता है कि गांव वाले माहौल को वैसे ही रहने दिया जाए? नहीं, गांव में जितना गांव में ज़्यादा विकास होगा उतना शहरों पर दबाव कम होगा, इसलिए लोग क्योंकि शहरों की तरफ भागते हैं, गाँव में अभी वो सुविधाएँ नहीं हैं जो होनी चाहिए। तनयाई और पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली इसी बात को कहते हैं कि हम अपने गाँव को इतना डेवलप करेंगे कि लोग शहरों की तरफ देखकर जब वो चौंकते हैं कि यहाँ पर ये सुविधाएं तो हमारे गांव के अंदर भी वो आ जाएगी, ये किस तरह से मुमकिन है? सरकारें सिर्फ इसकी बातें कर देती हैं या वाकई में मुमकिन हो पाता है? नहीं, इस बारे में मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सरकार ने अपना काम कर दिया, अब जो सेकेंड काम है वो हम लोगों का है। सरकार ने बहुत इसके अंदर क्या है कि कुछ एक, अगर मेरा अर्थ गुड़गांव का ही है, अगर आप कुछ टाइम पहले की बात करो तो गुड़गांव को भी हम ऐसे गांव ही डिस्कस करते थे, पर आज अब देखो कि ये मल्टीनेशनल और उसमें खड़ा होता है। तो अभी सरकार ने बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स दी हैं और उसने कुछ एक जगहें हैं जो एनओसी एनए जोन बोलते हैं जिसको हम वो दी हैं, जो सराउंडिंग्स एरिया में दी हैं जहाँ पर अभी लैंड बहुत सस्ती है, वहाँ पर जैसे हम बात करते हैं तो रिलायंस ने एक अपना कुछ एरिया डेवलप किया है जहाँ पर GST की और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सरकार ने अपना काम कर दिया, उस साइड डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो रही है। अगर आप जाएंगे तो वहाँ हर साल आपको दिखेगा कि भाई पहले 2 फैक्ट्री थी, फिर 20 हो गई, फिर 100 हो गई, इस कन्वर्जन के अंदर वहाँ पे काम चल रहा है। सेकंडली क्या है कि हमारे जो वर्कर्स हैं और कोई भी हैं जो वो गाँव में रह के ज़्यादा खुश फील करते हैं विद कंपेरिजन टू गुड़गांव, क्योंकि आज की डेट में गुड़गांव में रहने के हिसाब से वर्कर्स के लिए थोड़ा कॉस्टली है और वहाँ उनको जो रूम्स रेंट और ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्ती मिलती हैं। तो अगर सरकार का ये स्टेप है तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगी तो यहाँ का प्रेशर भी थोड़ा कम होगा। मैं एक एक सवाल और करूँगा, आखिरी सवाल आप सभी से और आप ही से मैं पूछ लेता हूँ। तनेजा जी, उद्योगों के लिए अब तक की जो सरकार की तरफ से काम करने के तरीके रहे, अब तक की जो कोशिशें रही हैं वो कितनी सही साबित हुई और चाहिए क्या उद्योगपतियों को जिससे डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को नौकरियाँ मिलें, तो सुझाव आपके हों कि हाँ और ये चीज़ें भी होनी चाहिए? मैंने आपके लास्ट ईयर जो कंक्लेव हुआ था उसमें कुछ सजेशंस दिए थे और मुझे बड़ी खुशी है अभी कहते हैं कि उनमें से काफ़ी सजेशंस के ऊपर काम भी हुआ। सरकार ने अभी HSIDC ने कुछ, पहले वो सिर्फ लैंड अलॉट कर देती थी लोगों को कि आप लैंड ले लो, अपनी फैक्ट्री लगाओ और बना लो, लेकिन उन्होंने चाइना बेस्ड सब फैक्ट्रियाँ बना के लोगों को लीज पे देने का भी काम कर दिया है कि आने वाले फ्यूचर में वो फैक्ट्रियाँ बनाएंगे और जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, छोटी कंपनीज हैं, उनको कंपनीज लीज पे देंगे। और सरकार की तरफ से अभी ये जो मेक इन इंडिया वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। काम हर एक को क्या होता है, सक्सेस होने में टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं, और अब सरकार ने इसके साथ में बहुत सारे बेनिफिट दे दिए हैं। आज की डेट में अगर आप इंसेंटिव स्कीम की बात करें तो शायद इतने इंसेंटिव स्कीम है कि मैं आपको गिना नहीं पाऊंगा कि कितने इंसेंटिव स्कीम सरकार ने दिए हैं उद्योगों पर। जब बजट डबल किया है तो सारे स्कीम दिए हैं और आने वाले टाइम में शायद हमें उम्मीद है कि जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, और जैसे चाइना से लोगों को पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही है और आज आप देखें कि गारमेंट एक्सपोर्ट वाले कितना अच्छा कर रहे हैं और कितनी बेटर अर्निंग्स हो चुकी हैं उनकी, तो आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग जो पहले इंडिया की कुछ एक टॉयज के लिए अभी ने क्लस्टर बनाया है और शूज़ के लिए कुछ क्लस्टर बनाया है, अब ये फॉरेन बेस वाला जो काम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन में जो टाइम लग रहा है वो लगेगा। ठीक, धनबंद बजाज जी, आपके जहन में क्या है गुरुग्राम का विज़न, अपने प्रदेश का विज़न, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, आज हरियाणा को कहाँ पर आप पा रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं, विकास की राहों में कहाँ पर देख रहे हैं? अगर हम और चीज़ों में कई बार देखते हैं तो विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी, क्योंकि मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप खुद राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो ये कहा जाता है कि सुरक्षा अर्थ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो इस वजह से दिक्कत होती है, तो आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं? जहाँ तक अभी पहले आप उद्योगों की बात कर रहे थे, हरियाणा को कहाँ पे देखना चाहते हैं, जो हमारा प्रदेश है अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी 3rd नंबर पे पहुँच गया है जो पहले 13वें नंबर पे था। और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री योजना है कि हमारे स्मॉल स्केल जो यूनिट हैं, जो कई ऐसी हैं जो हैवी मशीनरी कॉस्टली मशीनरी हैं, वो खुद अपने लिए खरीद नहीं सकते या लोन की फैसिलिटी तो उतना ले नहीं सकते, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हरियाणा के 22 के 22 ज़िलों में क्लस्टर योजना शुरू की गई है और हर एक प्रत्येक ज़िले को एक क्लस्टर अलॉट किया गया है
जिसमें जो छोटे यूनिट हैं मिलकर उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए पहले जो 2 करोड़ की स्कीम थी अब उसको 5 करोड़ तक कर दिया गया है, जिसके लिए 20 यूनिट मिलकर उस क्लस्टर योजना का उसमें लाभ उठा सकते हैं। तो सरकार का विजन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी बात है, जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं ग्रो करेगी, क्योंकि जितने भी बड़ी यूनिट हैं, जो मान लो मारुति है, हीरो होंडा है, इनके साथ साथ जब तक स्मॉल स्केल यूनिट नहीं होगा, जितनी लेबर हमारी स्मॉल स्केल में लगी हुई है, तो उतना हरियाणा का विकास नहीं हो सकता। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसको भी ग्रोथ किया जाए। और जहाँ तक सुरक्षा की दृष्टि से और कानून और व्यवस्था की दृष्टि से बात है, जहाँ तक देखो आप जानते हैं, जहाँ जहाँ विकास होगा थोड़ा बहुत क्राइम वहाँ उस देश में या राज्य में थोड़ा बहुत बढ़ता है, पर हमारे जी मुख्यमंत्री जी का हर एक समस्या की ओर ध्यान है। कानून व्यवस्था भी यहाँ पे सुधार है, ऐसी कोई गुड़गांव में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समस्या हो। दिनेश नागपाल जी, आपका सुझाव जिससे रियल इस्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा और बूम मिल सके, फ़ायदा हो सके, जो आपके जहन में आती हैं बातें कि हाँ इन पर काम हो जाए तो और जल्दी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा और उसका लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने वैसे बहुत सारी स्कीम्स की हैं, जैसे ऑनलाइन पे बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, उससे विकास को बहुत फ़ायदा हुआ है और आने वाला टाइम और भी अच्छा है हमारे लिए। डीपी गोयल साहब, आखिरी प्रतिक्रिया, गुड़गांव को कहां पर देखना चाहते हैं, हरियाणा को कहां पर देखना चाहते हैं, क्या वाकई में हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत बेहतर हैं या बहुत काम करने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकारों ने काम बहुत किया, लेकिन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। यदि हम पूरे विश्व के मानचित्र को देखते हैं तो हमारे इंडिया में, पूरी भारतवर्ष की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। आज विदेशों से ऐसे ऐसे रोगी यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं कि उसका इलाज बाहर है ही नहीं, है तो उसका बहुत कॉस्टली है। और यदि हम पूरे भारतवर्ष में भी कंपेरिजन करते हैं तो पार्टिकुलर गुरुग्राम की मैं बात करता हूं, हमारा एयरपोर्ट हमारे से इतना नजदीक है और इतना बड़ा स्कोप यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म का है। यदि मेडिकल टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, आज यदि हम यूएसए की बात करते तो हमारा इंडिया का डॉक्टर जाके वहां पे सेवा दे रहा है। आज तक आजकल आते तो काफी हैं जो यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है बड़े बड़े, वहां जितना अभी यहाँ पे स्कोप है उसका 1% भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। यदि पार्टिकुलर 2-3 हॉस्पिटलों की बात करें तो उसके आसपास के सेक्टरों की हम बात करेंगे तो इतनी फैसिलिटेटर वहां पे आते हैं, उनको रोजगार भी मिलता है, वहां पे अलग अलग तरह की फैसिलिटी भी मिलती है और यहाँ पे अच्छा इलाज भी उनको मुहैया हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म पे हमें स्पेशल फोकस करना चाहिए। टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप है और यदि मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टिकुलर गुरुग्राम में एक ऐसा हम जोन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का बना सकते हैं जहां पे अलग अलग फैसिलिटी के अलग अलग हॉस्पिटल सरकारी भी हो और क्लस्टर बना के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ावा दे सकते हैं। इससे हमारे हमारे गुरुग्राम और हरियाणा को भी इसमें मेडिकल फैसिलिटी का फायदा मिलेगा और विदेशों से यहाँ पे आने पर हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा पैसा भी मजबूत होगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी गोयल साहब, दिनेश नागपाल जी, धर्मेंद्र बजाज जी, तनेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिखर तनेजा जी उस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बहुत सारे मुद्दों पर हमारी कोशिश थी कि थोड़े से वक्त में सभी मुद्दों पर चर्चा हो जाए, तो बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके, चर्चा करके, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब थोड़ी देर बाद हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली साहब हमारे साथ होंगे डिस्कशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।